नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वंदना की रसोई में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूरन का कोफ्ता। सूरन का कोफ्ता ग्रेवी के साथ बना के दिखाएंगे और इसी के साथ आपको बिना ग्रेवी वाला कोफ्ता भी दिखाएंगे। आप इसको चाहें तो पकौड़े के तौर पे भी खा सकते हैं। सूरन का कोफ्ता बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस लगता है, बनाना भी बहुत आसान है। और इसी के साथ सूरन की ग्रेवी भी बहुत ही यम्मी बनाएंगे, तो आइए झटपट बनाते हैं। सबसे पहले आधा किलो सूरन को अच्छी तरह से धो के छिल लिए हैं और देख सकते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। इसको अब हम रखेंगे कुकर में। इसको करीब 2 सीटी हम लगाएंगे और ये बहुत ही जल्दी उबल के रेडी हो जाएगा। ये देसी सूरन नहीं है, आप चाहें तो देसी सूरन से भी कोफ्ता पकौड़ा बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो यहाँ पे इसको हम उबाल के रेडी कर लिए हैं और इसको अच्छे से मैश कर लिए हैं, देख सकते हैं। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं बेसन। तो यहाँ पे करीब हम 2 से 2.5 चम्मच बेसन डालेंगे। अगर कम ज़्यादा लगे तो आप अपने इच्छा से डाल सकते हैं। यहाँ पे हम 2.5 चम्मच के करीब बेसन डाले हैं, बड़े चम्मच से डाले हैं 2.5 चम्मच। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं प्याज बारीक कटा हुआ, धनिया। इसके बाद यहाँ पे हम हरी मिर्च काट के रखे हैं वो भी डाल देते हैं, अदरक का टुकड़ा डाल देते हैं बारीक कटा हुआ। यहाँ पे हम लहसुन इसमें नहीं डालेंगे, हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे लहसुन को। अब इसमें डाल देते हैं आधा नींबू का रस। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो आप कोफ्ते में भी डाल सकते हैं, ग्रेवी में भी डाल सकते हैं, दोनों में अच्छा लगेगा। हम केवल ग्रेवी में डालेंगे। अब इसके बाद डाल देते हैं हींग। अब कोफ्ते के अंदर मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम सब्जी मसाला 1/2 चम्मच डाले हैं और 1/2 चम्मच से भी कम इसमें गरम मसाला का इस्तेमाल किए हैं और 1/2 चम्मच से भी कम इसमें चाट मसाला डाले हैं। इसके बाद स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये तो हो गया हमारा कोफ्ता का रेडी। अब इसको अच्छे से डो तैयार कर लेते हैं और इसको साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम सबसे पहले अपना ग्रेवी का रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 प्याज काटे हैं, 7 से 8 हरी मिर्च लिए हैं, अदरक का टुकड़ा और लाल मिर्च 3 से 4, इन सबको अच्छे से पीस लेते हैं। प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पीस के रेडी कर लेते हैं। देख सकते हैं प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लाल मिर्च का पेस्ट तैयार है। आप चाहें तो इसी टाइम इसमें लहसुन भी पीस सकते हैं। हम लहसुन को कद्दूकस करके रख लिए हैं। इसके बाद अब इसी जार में हम टमाटर को भी तैयार कर लेते हैं पीस के। आप पीस के अगर कोफ्ते में डालेंगे बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ऐसे अगर खड़ा टमाटर डालते हैं काट के तो थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे टमाटर की भी प्यूरी रेडी है और प्याज, हरी मिर्च, अदरक वाली भी प्यूरी रेडी हो गई है। कोफ्ते में थोड़ा सा हल्दी डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/2 चम्मच, और जो प्याज का पेस्ट बनाए थे हरी मिर्च, उसी पेस्ट में से हम करीब 1.5 चम्मच इसमें डाल दिए हैं कोफ्ते में। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें तेल डाले हैं ताकि ये हाथ में चिपके नहीं, और बस अब कुछ नहीं करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। हल्का हल्का तेल लगाएंगे और इस तरीके से गोल गोल, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये कोफ्ता बिल्कुल रेडी है और गर्मा गर्म इसको तेल में बस तलना है। आप इसको पकौड़े के जैसा भी खा सकते हैं और ग्रेवी में भी इसको डुबा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सूरन का सारा कोफ्ता रेडी हो गया है। अब इसको आइए गर्मा गर्म तेल में इसको तल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कढ़ाई रख दिए हैं और इसमें तेल भी डाल दिए हैं। तेल फर्स्ट क्लास का गर्म होना चाहिए और एक एक करके डालते जाएंगे। तो एक एक करके कोफ्ता गरम गरम तेल में डालते जाएंगे और एक बार में जितना आएगा उतना डालते हैं। आँच को बहुत ज़्यादा स्लो नहीं रखना है और देख सकते हैं फर्स्ट क्लास तेल एकदम गरम है। और इसको आप पलट देते हैं और आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं गर्मा गर्म। ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर इसको हल्का हल्का अगर हथेली में दबा के अगर बनाते हैं तो ये टिक्की जैसा और भी फर्स्ट क्लास लगेगा।
लेकिन इसको हमें कोफ्ता बनाना है ग्रेवी में, तो इसीलिए इसको राउंड शेप दिए हैं। इसी तरीके से सारा कोफ्ता बनके रेडी हो गया है। दूसरे राउंड का भी छान के रेडी कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना फर्स्ट क्लास का बना हुआ है, और यहाँ पे तोड़ के भी दिखाए हैं। बहुत ही क्रंची और बहुत ही यम्मी बना हुआ है। आप इसको पकौड़े के जैसा भी खा सकते हैं और ग्रेवी में भी बना के कोफ्ता भी खा सकते हैं। ये दोनों तरह से अच्छा है, बहुत ही यम्मी बना हुआ है और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। सूरन का कोफ्ता बनके रेडी हो गया है। अब हमें बनाना है ग्रेवी, तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी, प्याज की प्यूरी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे एक प्याज भी चाहिए हमें, और यहाँ पे कुछ साबुत खड़े मसाले चाहिए, तेज पत्ता, लाल मिर्च, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, और इसके बाद गार्निश के लिए धनिया। तो चलिए बनाते हैं अब इसकी ग्रेवी। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। कोफ्ता बनाइए या पकौड़े बनाइए, सरसों के तेल में बहुत ही यम्मी लगता है। तो यहाँ पे हम तेल डाले हैं करीब 2 चम्मच। इसमें डाल देते हैं जीरा। जीरा अच्छे से चटक गया है, तो अब इसमें डाल दिए हैं हम साबुत खड़े मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, और अब डाल देते हैं इसमें प्याज। प्याज को हल्का सा चलाते हैं और इसमें डाल देते हैं लहसुन। लहसुन को हम पीसे नहीं हैं, इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं, यहाँ पे हल्का सा भून लिए हैं। इसमें डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से नमक, और इसको अच्छे से चलाते हुए अब इसमें डालेंगे मसाले। ग्रेवी का मसाला है, यहाँ पे हम 1/2 चम्मच चाट मसाला इस्तेमाल किए हैं, सब्जी मसाला 1 चम्मच, इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच डाले हैं, गरम मसाला और हींग, और इन सबको अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसी के साथ हम डाल देते हैं प्याज, हरी मिर्च, अदरक की प्यूरी, और इसको अच्छे से भूनते हैं। तब तक भूनेंगे जब तक ये मसाले अच्छे से तेल ना छोड़ दे। इसके बाद इसमें डाल देते हैं हल्दी। आप चाहें तो हल्दी पहले भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्याज की प्यूरी और मसाले फर्स्ट क्लास भून के रेडी हो गया है, और अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर पिसा हुआ, और इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। ये करीब 5 से 7 मिनट प्याज को हम अच्छे से भुने थे, अब 2 से 3 मिनट टमाटर को भी भून लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों अच्छे से भून के रेडी हो गया है, मसाला फर्स्ट क्लास भून के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मसाले, टमाटर की प्यूरी, प्याज की प्यूरी का मसाला फर्स्ट क्लास रेडी हो गया है। कोफ्ते का ग्रेवी एकदम फर्स्ट क्लास भून के रेडी है। अब इसमें डाल देते हैं पानी। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें पानी आप उतना ही डालिए जितना आपको ग्रेवी बनाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम पहले डाले थे, और थोड़ा पानी बाद में डाले हैं। इसमें 1 गिलास पानी हम डाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है। कोफ्ते का ग्रेवी है, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, और इसमें कुल मिला के 1 गिलास पानी डाले हैं। देख सकते हैं अच्छे से जब उबलने लगा है तो इसमें कोफ्ता डाल दिए। थोड़ा सा कोफ्ता हम रख लिए हैं सूखा पकौड़े के जैसा खाने के लिए, और बाकी कोफ्ते हम ग्रेवी में डुबा दिए। तो दोस्तों यहाँ पे कोफ्ता फर्स्ट क्लास बन के रेडी हो गया है। अब इसमें डालते हैं देसी घी। यहाँ पे हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, और देसी घी डालने से कोफ्ते का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब इसमें धनिया डाल देते हैं। कोफ्ता फर्स्ट क्लास बन के रेडी हो गया है, और इसको गर्मा गर्म आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। सूरन का कोफ्ता ग्रेवी के साथ रेडी हो गया। इतना यम्मी, इतना सॉफ्ट बना हुआ है कि मुंह में खाते ही ये घुल जाएगा। इसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही यम्मी सूरन का कोफ्ता बना हुआ है। आप लोग इसको बना के और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से भी गार्निश कर देते हैं धनिया से, और इसमें थोड़ा सा, जिसको अगर अच्छा लगता है, थोड़ा सा देसी घी और डाल दीजिए। देसी घी सूरन का कोफ्ता हो, सब्जी हो, उसमें बहुत ही अच्छा लगता है। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना हुआ है।
तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एकदम मक्खन जैसा ये मुंह में घुल जाने वाला कोफ्ता बना हुआ है, और इसी के साथ सूखा कोफ्ता भी बहुत यम्मी, आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, इतना यम्मी बना है। इसके साथ आप गर्मा गर्म चावल अगर खाते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा। हम इसके साथ गर्मा गर्म चावल बनाए हैं, और चावल के साथ सूरन का कोफ्ता ग्रेवी वाली बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यम्मी लगता है। आप लोग भी ज़रूर बना के इसको बिल्कुल इसी तरह से खाइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।